नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT के जमेरट में। मैं अमित पवार आपका स्वागत करता हूँ। BBA 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑडिटिंग की यूनिट फर्स्ट से टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग। इसमें हम देखेंगे कि ऑडिटिंग कराने के क्या एडवांटेज होते हैं। ओके, सबसे पहला एडवांटेज जो है वो है ऑडिट हेल्प्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स। कि ऑडिट के थ्रू क्या होता है कि जो हम अकाउंटिंग जो अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, जो अकाउंटिंग हम लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ह्यूमन एरर्स के थ्रू या डिफरेंट एरर्स के थ्रू कुछ एरर्स हो जाती हैं। तो जब हम ऑडिट करते हैं तो इससे हमें क्या होता है कि हम उन एरर्स को डिटेक्ट कर पाते हैं, उन्हें रोक पाते हैं, और यदि कोई जानबूझकर उसमें फ्रॉड कर रहा है तो उसको हम रोक पाते हैं। ओके, ऑडिट हेल्प्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स। नेक्स्ट, इसमें ऑडिट हेल्प्स टू मेंटेन अकाउंट रेगुलरली। तो ऑडिट यदि हम रेगुलर बेस पे कराते हैं, ईयरली बेस पे कराते हैं, तो उसमें क्या है कि हमें जो अपने अकाउंट हैं वो रेगुलरली मेंटेन कराने होते हैं। और इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्सन भी होता है कि भाई एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो कंपनीज हैं उनको जो ऑडिटिंग है वो रेगुलर बेस पे करानी होगी। तो जब वो ऑडिटिंग कराते हैं रेगुलरली, तो इससे क्या होता है कि उनको अकाउंट जो है वो मेंटेन करने होते हैं, अपने अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑडिट हेल्प्स टू गेट कंपेंसेशन। यदि कोई बहुत ज़्यादा हैवी लॉस या डैमेज या कुछ इस तरीके का हो जाता है तो वो चीज़ इंश्योरेंस के अंतर्गत आ रही है, इंश्योरेंस में कवर हो पा रही है, तो उसमें क्या करता है कि ऑडिट जो है वो कंपेंसेशन लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ऑडिट हेल्प्स टू ऑब्टेन लोन। बैंक जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस हाउस या कंपनीज, इनको बैंकों से लोन की ज़रूरत होती है, और बैंक लोन इजीली केवल उन्हीं कंपनीज को दे पाते हैं जिनके अकाउंट्स रेगुलर बेस पे ऑडिटेड होते हैं, ऑडिट किए जाते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑडिट जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपको लोन प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। ऑडिट हेल्प्स टू ऑब्टेन लोन। नेक्स्ट है ऑडिट फैसिलिटेट्स द सेल ऑफ बिजनेस। जब हम अपने एक रनिंग बिजनेस को किन्हीं कारणों से बेचना चाहते हैं या मर्ज करना चाहते हैं या एक्विजिशन करना चाहते हैं किसी और का, तो उसमें क्या होता है कि जो पिछले हमारे अकाउंट हैं या करंट के जो हैं अकाउंट, यदि वो ऑडिटेड किए गए हैं तो इससे क्या होता है कि इजीली हम उस कार्य को कर सकते हैं, अपने बिजनेस को सेल कर पाते हैं यदि हमने अकाउंट अच्छे से अपने अकाउंट ऑडिट कराए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑडिट हेल्प्स टू असेस टैक्स। जो टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो क्या है कि उसको उसके निर्धारण में, उसको असेस करने में ऑडिट से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है ऑडिट फैसिलिटेट्स टू कंपेयर। कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि डिफरेंट ईयर्स के अपने जो अकाउंट हैं, फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो यदि हमने उनको ऑडिट कराया हुआ है तो वो एक तरीके से फैसिलिटेट करता है कंपेयर करने में, ऑडिट के थ्रू हम ये इजीली कर पाते हैं। नेक्स्ट है ऑडिट हेल्प्स टू प्रेजेंट अ प्रूफ। कहीं ना कहीं ऑडिट जो है एक प्रूफ की तरह होता है कि यस, ये जो अकाउंट हमने जो ऑडिट किए हैं अब ये सही है, इसको हम एक प्रूफ के तौर पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑडिट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस। कहीं ना कहीं ऑडिट जो है वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ऑडिट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस को भी बताता है। और नेक्स्ट और लास्ट है ऑडिट हेल्प्स टू इंक्रीज गुडविल। कहीं ना कहीं एक कंपनी की क्या होता है कि यदि उसने अपने अकाउंट ऑडिट कराए हुए हैं तो इससे उसकी ख्याति बढ़ती है, उससे उसकी गुडविल बढ़ती है। तो इन सभी पॉइंट के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।